ये सरकार की इसलिए कमी है कि सरकार अगर अपने भाषा को खुद ही अहमियत नहीं दे रहा है तो फिर इस भाषा से हम क्या सोच सकते हैं? तो हम तो सिर्फ वर्कर बन के काम ही कर सकते हैं ना सर। एक एक जनता का काम क्या होता है? आप जिस दिशा में उसको भेजोगे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, तो आप जहाँ भेजोगे वहीं हम जाएंगे। हमें व्यवस्था दोगे तो हमें करना तो आता है, बट हमें व्यवस्था, हम गोली चला सकते हैं सर, लेकिन हमारे पास बंदूक ही नहीं है। तो हम कितना भी बढ़िया बॉडी बनाकर और किसी से हैंड टू हैंड फाइट आजकल नहीं रहा, आजकल फिजिकली फाइट का दौर गया सर। आजकल बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आजकल बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आजकल लड़के मोबाइल पे ही फुटबॉल खेल लेते हैं। वही तो हमारा सिनेमा है कि हम पहले फिजिकली फुटबॉल खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, आसपास खेलते थे, बहुत सारी हमारे पास खेला थी, लेकिन आजकल वो सारे खेला मोबाइल में आ गए, इसलिए बच्चे फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे। नहीं, हम बात करेंगे मल्टीप्लस सिनेमा की, ताकि जैसे और जो जो मूवी होते हैं एक एक मतलब शहर में तीन तीन चार चार पांच पांच मल्टीप्लेक्स में लगते हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा सिर्फ और सिर्फ आनंद मंदिर ही में ही लगा है। मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि सरकार अगर अपने भाषा को अहमियत दे दे तो मुझे लगता है कि हम क्या बोले आपसे कि हम एक दिन में मात्र 22 सिनेमा हॉल में भी बिहार में सिर्फ लगे 22 सिनेमा यूपी छोड़ के, तो हम सिर्फ 22 सिनेमा हॉल का रिकवरी हम 10 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए सर, जबकि कोई डेट नहीं होता है। जो कल रिलीज हुई कोई डेट नहीं है, आज 7वीं, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख का रिकवरी। आप सोच सकते हैं अगर वही 500 होता तो वो दस लाख कितने में बदलता सर? कम से कम 2 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ रुपए अगर हम एक दिन का रिकवरी मात्र सिर्फ बिहार से करते तो सोचिए हमारा यूपी भी अगर 300 सिनेमा हॉल होता तो हम कितना कमाते, झारखंड अगर होता तो कितना कमाते। तो बात हमारी कमाई की नहीं है, अपने भाषा को बड़ा करने की है सर। वो आपका 100 रुपया ही लग रहा है, लेकिन वही कल 100 रुपया मुझे लगता है कि 100 करोड़ की सिनेमा भी बनवाएगा। तो हमारे पास व्यवस्था होगी, दुकान होगी बेचने की, तभी हम बेहतर प्रोडक्ट को दुनिया को बेच सकते। तो हमारे पास बेहतर दुकानें कम है, और कम दुकान में हम सर करें तो क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हमारा काम एक्टिंग करना है। अगर जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यूपी बिहार में कम से कम 40 से 45 मल्टीप्लेक्स होंगे, अगर एक ही एक शो अगर हमें मिल जाए कि नहीं भाई मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी लगाना होगा आपको, कम से कम एक ही शो चलाओ, लेकिन चलाओ जैसे कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार में जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं सर, वहाँ पे महाराष्ट्रीयन मूवी एक स्क्रीन लगती है और एक शो दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ सरकार सक्रिय है, वहाँ की सरकार अपने भाषा को बड़ा करता है। उनकी मजबूरी है कि तुम्हें अगर भी महाराष्ट्र में रहना है तो हमारे भाषा को प्राथमिकता देना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं यूपी सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं। नहीं, सिर्फ यूपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार भी वो इतना ही है, झारखंड भी वैसा ही है। सिनेमा हॉल में सर और थिएटर के मामले में और अपने भाषा के प्रति किसी के पास जागरूकता नहीं है। हम कलाकार अपने भाषा को, आज साउथ की बातें होती है सर, तो साउथ में जाकर देखिए सर कितने मल्टीप्लेक्स, और हर मल्टीप्लेक्स में साउथ की मूवी लगती है। व्यवस्था हमारे ऑडियंस को मिलता है तो 200 रुपये भी खर्चा कर लेते हैं, वो 500 भी खर्चा करते हैं। तो आप व्यवस्था तो दीजिए सर, बढ़िया फल होता है तो 500 रुपये किलो भी होता है तो दुनिया खरीदती है ना। अब सर आप 500 रुपये किलो बेचेंगे वो कचड़ा वाला फल तो कहाँ से, जब सड़ा हुआ सेब कोई लेगा 500 रुपये किलो? नहीं लेगा। तो बेचाने का मतलब जो अगर बेहतर सेब आपके पास है, अगर बढ़िया सेब है तो बढ़िया पैसा दुनिया देगी आपको। ठीक है, तो प्रोड्यूसर साहब से बात करेंगे संघर्ष को लेकर। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर संघर्ष को लेकर? प्रोड्यूसर साहब जी संघर्ष को, आपने एक संघर्ष जैसी फिल्म बनाई, एक बड़ा हिम्मत किया, इतना बड़े की फिल्म बनाया आपने, क्या कहना चाहेंगे? सुनिए तो पहले जवाब तो सुनिए, एक बार साइलेंट हो जाइए भैया, संघर्ष जैसी बड़ी फिल्म बनाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, क्या कहने की? जो सरकार का काम है वो मैं कर रहा हूँ, बेसिकली पिक्चरें अच्छी बना रहा हूँ, तो अब जगह देना उनका काम है, जो मिसारी जी ने उन्होंने बोला, ऑडियंस जो है वो मिलियन भी नहीं बोल सकते, मिलियन में चली गई है। तो अब सरकार को सोचने की जरूरत है कि वो एक एक जगह दे, एक थिएटर दे, जो हर एक थिएटर में 100 एटलीस्ट भोजपुरी के नाम पे लगे, तो एक इंडस्ट्री जो है जो बड़े सब लोग करने की कोशिश में है, सारी जी है, मैं हूँ और जितने आर्टिस्ट हैं,
उनको एक जगह मिलेगी तो आपकी भाषा, आपके समाज, आपके लोग जो है और उन्नति करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है जो सरकार का जो मैक्सिमम काम है वो मैं और सारी जी कर ही लेते हैं, तो आप सरकार को सोचना है कि आप उनसे ऊपर क्या करें। संघर्ष को जो सफलता मिल रही है, हर सिनेमा हॉल पे भीड़ एकदम तादाद हाउसफुल जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो हम लोग का प्लान ही था कि एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, एक अच्छी हर एक साल में वैसी एक पिक्चर जो है वो कैनवास एक बड़ा करने के लिए जो हमारे भोजपुरी को एक बाहर के लोगों के लिए एक नजरिया बनता है, जो नजरिया जो है वो दिख रहा है कि अब हम लोग क्या चेंज करके लेके आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब वो समय पुराना समय रहा नहीं कि भोजपुरी जो जिस ढंग से लोग देखते थे, अब वो समय बहुत चेंज हो गया है। सब नए लोग, नए बच्चे सब वो एक बेहतर फिल्म बन गई। सर संघर्ष वन की बात करें, आप प्रोड्यूसर खिसाई जी, हीरो पराग जी डायरेक्टर, टू आई वो भी धमाका किया, तो पार्ट थ्री आएगी? हाँ, जैसे जैसे आप बड़े बनते जाते हो ना तो और बेहतर, ये आपको समझदारी बढ़ती है, वैसे जैसे हम लोग और अब तो संघर्ष थ्री की तैयारी है जो चालू हो चुकी है, तो अब धीरे धीरे और बेहतर हम लोग करेंगे। यही तिकड़ी आएगी नजर? हाँ बिल्कुल, वो हमेशा तो वही हो रहा है जी। मेघा जी आप क्या कहना चाहेंगे? तिकड़ी के लिए भी संघर्ष करवाओ। मेघा जी आप क्या कहना चाहिए, हीरोइन आपने संघर्ष देखा अभी ऑडियंस के बीच में आने का परमिशन? अच्छा, करने दीजिए बस, एक 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 सवाल डायरेक्टर जी। मैम बोलिए। फर्स्टली मैं अपनी पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, इस साल का सबसे बड़ी इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू मी संघर्ष टीम, सो थैंक यू वोट टीम फॉर चूजिंग मी, एंड मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ, एंड भोजपुरी ऑडियंस समाज को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि संघर्ष तो हिट हो चुकी है, ऐसे ही आप इस फिल्म को और ज़्यादा हिट कराइए, 100 डेज इसको होने दीजिए। माही जी आप क्या कहना चाहेंगी? माही जी आप इस टीम का हिस्सा रहे हो, खेसारी जी के साथ आपने इतना बड़ा रोल किया, क्या कहना चाहेंगे? सर खेसारी जी के साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगता ही है, पहले मैं यही बता दूंगी खेसारी जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि संघर्ष भोजपुरी की पहली बड़ी फिल्म है, और पहली बड़ी फिल्म में मैं एक बड़े किरदार हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब संघर्ष टू आ गया है, हिट भी चल रहा है, संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, आप लोग संघर्ष थ्री बनवाने के लिए थोड़ा संघर्ष कर दीजिएगा तो संघर्ष थ्री भी आ जाएगी, माँ का मुआ तो बन जाएगा। संघर्ष थ्री करने हम लोगों ने जो संघर्ष किया संघर्ष टू के लिए, अब आपकी बारी है, आप संघर्ष थ्री के लिए संघर्ष करिए, हम संघर्ष थ्री। पराग सर एज ए डायरेक्टर आपसे जानना चाहेंगे, संघर्ष टू, संघर्ष वन के बाद संघर्ष टू, क्या रिस्पांस जो मिल रहा है इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल यही रिस्पांस के लिए हम लोग मेहनत किए हैं, और वो मेहनत सफल होते नजर आ रही है, तो मैं सबसे पहले तो संघर्ष टू कोशिश करता रहूंगा, संघर्ष टू और ऐसे के सारी जी के साथ अच्छी अच्छी फिल्में आप लोग। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद।